हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस श्रीमती भगवती देवी स्कूल एम कॉलेज इंस्टीट्यूशन बहरोड। हम जो आज पढ़ रहे हैं वो 12th क्लास केमिस्ट्री का चैप्टर है विलयन। इस चैप्टर में सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि विलयन होते क्या हैं। तो देखो विलयन क्या होते हैं। विलयन होता है दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। यानी दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। यानी विलयन जो होते हैं वो दो भागों से बनते हैं, विलय प्लस विलायक। यानी विलयन में दो अवयव होते हैं, एक तो विलय होगा और दूसरा विलायक होगा। विलयन के अंदर जिस अवयव की मात्रा कम होगी, विलयन के अंदर जिस अवयव की मात्रा कम होगी उसको तो हम विलय बोलते हैं, और विलयन के अंदर जिस अवयव की मात्रा अधिक होगी उसको हम विलायक बोलते हैं। यानी विलयन दो अवयव से मिलकर बना होता है, एक तो विलय और दूसरा विलायक। विलय क्या है कि विलयन के अंदर जिस अवयव की मात्रा कम होगी उसे हम विलय कहेंगे, और विलायक क्या है जिस अवयव की मात्रा अधिक होगी उसे हम विलायक कहेंगे। जैसे मान लो अपन ने एक ग्लास लिया, इस ग्लास के अंदर ये वाटर है, और ये वाटर का वॉल्यूम 1 लीटर ले लेते हैं। 1 लीटर जल के अंदर मैंने 5 ग्राम शुगर डिजोल्व कर दी, यानी घोल दी, तो इसके अंदर जो 1 लीटर जो जल है वो तो है विलायक, और 5 ग्राम जो शुगर है वो क्या है, विलय। अच्छा, इसमें एक चीज है, एक वर्ड आया है समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण का मतलब क्या होता है कि जब किसी विलय और विलायक को हम मिलाते हैं तो उसमें विलयन का जो संघटन होता है, उस पूरे विलयन के अंदर उसका संघटन जो है वो समान होना चाहिए। जैसे अगर ये पहले लिक्विड है, ये सॉलिड था, जब मैंने इसमें डिजोल्व कर दिया तो पूरा विलयन एक ट्रांसपोर्ट हो गया। चाहे आप यहां से वाटर ले लो और यहां से वाटर ले लो, नीचे से ले लो, उसका पूरा टेस्ट बिल्कुल क्या होगा, सेम होगा, और इस सॉल्यूशंस का ट्रांसमिट हो गया, हम बार बार देख सकते हैं। तो ऐसा जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, समांगी मिश्रण, और समांगी मिश्रण ही विलयन बनाते हैं। यानी वो समांगी मिश्रण ही विलयन होता है। जैसे अगर मैं कहूं कि पानी के अंदर मैंने मिट्टी मिला दी, तो पानी के अंदर जो मिट्टी मिलाई है वो समांगी मिश्रण नहीं है, विसमांगी मिश्रण है, क्योंकि उस मिट्टी की जो क्वांटिटी है वो पूरे उस विलयन के अंदर समान मात्रा में नहीं है, इसलिए उस विसमांगी मिश्रण हुआ। तो विलयन कैसे होते हैं, समांगी मिश्रण। अब जो विलयन है उसको हम आगे पढ़ेंगे कि विलयन की सांद्रता क्या होती है। विलयन की सांद्रता, विलयन की सांद्रता से मतलब यह है कि किसी विलायक के अंदर, एक निश्चित विलायक के अंदर विलय की कितनी ग्राम में मात्रा घुली हुई है। यानी निश्चित विलाय की मात्रा में विलय की घुली हुई मात्रा, उस विलयन की क्या कहलाती है, सांद्रता।
यानी निश्चित विलायक की मात्रा मिले की घुली हुई मात्रा उसकी क्या कहलाएगी, सांद्रता। जैसे मैं आपसे कहूं कि एक लीटर जल के अंदर 5 ग्राम शुगर घुला हुआ है, तो उसकी जो सांद्रता हुई क्या हुई कि 5 ग्राम पर लीटर, या 2 ग्राम अगर 2 ग्राम डिजोल्व करते हैं तो 2 ग्राम पर लीटर उसकी क्या हो जाएगी, सांद्रता हो जाएगी। विलयन की जो सांद्रता है उसको निम्न प्रकार प्रदर्शित करते हैं, विलयन की सांद्रता जो होती है उसको अलग अलग टाइप से हम प्रदर्शित करते हैं। तो कौन कौन से टाइप है विलयन की सांद्रता को प्रदर्शित करने के, वो हम एक बार देखते हैं और उसके आगे फिर हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो विलयन की जो सांद्रता है उसको हम कैसे कैसे प्रदर्शित करते हैं, एक तो हम पढ़ते हैं द्रव्यमान प्रतिशत। इस द्रव्यमान प्रतिशत को हम WW कहते हैं। एक हम पढ़ते हैं द्रव्यमान प्रतिशत, एक हम पढ़ते हैं परसेंट वीवी, इसको हम बोलते हैं आयतन प्रतिशत। एक हम पढ़ते हैं परसेंट WV, इसको हम बोलते हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। एक हम पढ़ते हैं मोलरता, इसको कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। एक हम पढ़ते हैं नॉर्मलता, इसको N से प्रदर्शित करते हैं। एक हम पढ़ते हैं मोल भिन्न, इसको x से प्रदर्शित करेंगे। और एक लास्ट हम पढ़ेंगे मोललता, मोललता को हम स्मॉल m से प्रदर्शित करेंगे। ये जो मैंने लिखे हैं ये किस एक विलयन जो होता है उसकी सांद्रता को प्रदर्शित करने के तरीके हैं, यानी इस विलयन की सांद्रता को हम इसमें प्रदर्शित करते हैं। तो सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे द्रव्यमान प्रतिशत क्या है, यानी इसके बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत को किससे प्रदर्शित करते हैं, परसेंट WW। पहला ये पढ़ रहे हो, द्रव्यमान जो प्रतिशत है क्या है कि किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा, यानी सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत क्या है, किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलय की मात्रा, उसकी द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है। यानी परसेंट WW क्या होगा, किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है। तो एक फॉर्मूला बना कि द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला क्या हुआ, तो हम ये लिख सकते हैं कि परसेंट WW इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूं क्या, विलय की ग्राम में मात्रा अपॉन विलयन का द्रव्यमान ग्राम में इंटू 100। यानी ये जो फॉर्मूला आया ये किसका फॉर्मूला है, परसेंट WW का। अच्छा ऐसा हो सकता है कि विलयन का द्रव्यमान ना दे रखा हो और आपसे क्या दे दे हो, विलय की ग्राम में मात्रा दे देगा और विलय की ग्राम में मात्रा, तो आप उन दोनों को जब हम ऐड कर देंगे तो किसका आ जाएगा, विलयन का द्रव्यमान। इट मीन्स मैं इसको ये भी लिख सकता हूं कि परसेंट WW इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हो, विलय की ग्राम में मात्रा अपॉन विलय की ग्राम में मात्रा प्लस विलय की ग्राम में मात्रा इंटू 100। ये इसका क्या हो गया फॉर्मूला, यानी मैं विलय की यानी परसेंट WW, यदि मैं विलय की ग्राम की मात्रा
जो ये विलय की ग्राम की मात्रा है इसको मैं डब्लू बी मान लेता हूं, और विलय की ग्राम में मात्रा जो नीचे लिखा उसको मैंने डब्लू ए प्लस, विलय की ग्राम में मात्रा क्या है डब्लू बी इंटू क्या हो गया 100। तो ये हम द्रव्यमान प्रतिशत का सूत्र हमारे पास आता है कि हमें किसी विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना हो तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो द्रव्यमान, अब एक क्वेश्चन हम ये बताते हैं कि भाई द्रव्यमान प्रतिशत हम कैसे कैलकुलेट करें। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन दूं, ऐसा क्वेश्चन बनाना हो जैसे मैंने कहा कि 10 ग्राम NaOH क्या है, 10 ग्राम NaOH 90 ग्राम जल में घुला है, 90 ग्राम जल में घुला हुआ है, तो इसका परसेंट डब्लू डब्लू ज्ञात करना है। 10 ग्राम NaOH कितने में घुला हुआ है, 90 ग्राम जल में घुला है, तो इसका परसेंट डब्लू डब्लू ज्ञात करना है। तो देखो क्वेश्चन क्या हुआ, परसेंट डब्लू डब्लू इज इक्वल टू डब्लू बी अपॉन डब्लू ए प्लस डब्लू बी इंटू 100। तो इसके लिए अगर हम क्वेश्चन आंसर इसका लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, डब्लू बी यानी विलय की ग्राम में मात्रा। तो यहां ध्यान देना कि 10 ग्राम NaOH और 90 ग्राम क्या है जल। तो मैंने ये कहा था कि विलयन जब बनेगा और जिसकी मात्रा कम होगी उसको हम क्या बोलेंगे विलय, और जिसकी मात्रा अधिक होगी उसको हम क्या बोलेंगे विलय। तो यहां इस क्वेश्चन के अंदर जो विलय है वो NaOH है और जो विलायक है वो क्या है जल है। तो देखो डब्लू बी विलय की ग्राम में मात्रा कितनी होगी 10, हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं परसेंट डब्लू डब्लू, 10 परसेंट डब्लू डब्लू इक्वल्स टू 10 अपॉन डब्लू ए विलय की ग्राम में मात्रा कितनी है 90 प्लस डब्लू बी कितना है 10 इंटू 100। तो परसेंट डब्लू डब्लू आया 10 अपॉन 100 इंटू 100, तो 100 से 100 कैंसिल, तो परसेंट डब्लू डब्लू इस क्वेश्चन का क्या आया 10%। इट मींस ये हुआ, अगर किसी क्वेश्चन में ये लिखा हो कभी मिल जाए आपको कि 10% डब्लू डब्लू NaOH का सॉल्यूशन आपको दिया गया है, तो इससे आप क्या समझे भाई, इससे आप ये समझे 10% डब्लू डब्लू का मतलब है कि 10 ग्राम विलय कितने ग्राम जल में घुला हुआ है 90 ग्राम जल में घुला हुआ है। तो परसेंट डब्लू डब्लू समझ में आया, तो इस तरह हम परसेंट डब्लू डब्लू समझ सकते हैं। अच्छा इसके लिए एक और आगे अगर हम बात करें टर्म्स की, तो कभी ऐसा हो सकता है कि वो आपको घनत्व तो दे देगा, विलयन का क्या दे देगा घनत्व। तो जैसे वी नो दैट डब्लू घनत्व जो होगा डेंसिटी एम अपॉन वी, आपको विलयन का घनत्व मिल जाएगा, द्रव्यमान मिल जाएगा और आयतन हम ऐसे निकाल सकते हैं, तो वी इज इक्वल टू एम अपॉन डी। तो आयतन यहां से हम क्या कर सकते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ऐसे मान लो 2% ये लिखा हो, इसका मतलब समझना 2% डब्लू वी सॉरी डब्लू डब्लू के एच का सॉल्यूशन दे रखा है, इसका मतलब क्या समझे आप कि 2 ग्राम के एच 98 ग्राम जल में घुला हुआ है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि परसेंट डब्लू डब्लू क्या होता है। अब हम बात करते हैं आयतन प्रतिशत, नेक्स्ट अपना क्या है आयतन प्रतिशत। इस आयतन प्रतिशत को परसेंट वीवी से प्रदर्शित करते हैं। तो देखो आयतन प्रतिशत क्या, किसी विलयन के 100 ml में, किसी विलयन के कितने में 100 ml में, किसी विलयन के 100 ml में उपस्थित विलय के ml में मात्रा, किसी विलयन के 100 ml में उपस्थित विलय के ml की मात्रा, उस विलयन की क्या कहलाती है भाई आयतन प्रतिशत। अब आयतन प्रतिशत हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए भी एक फॉर्मूला है
कि परसेंट वीवी इज इक्वल टू, लिख सकता हूं विलेय का आयतन एमएल में, यानी वीवी अपॉन वीवी प्लस वीए इनटू 100, यानी प्रतिशत वीवी अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। वीवी क्या है? विलेय का आयतन, और वीए क्या है? विलायक का आयतन। अब क्वेश्चन आपसे कोई दे दे कि किसी 50% क्या है, 50% वीवी से आप क्या समझते हैं? तो इस 50% वीवी विलियन से हम ये समझते हैं कि कुल 15 एमएल विलेय है जो 85 एमएल विलायक में घुला हुआ है। दैट क्लियर? अगर हमें क्वेश्चन दे इस पर कि भाई क्वेश्चन ये है कि आपको परसेंट वीवी ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? परसेंट वीवी ज्ञात करना है, और परसेंट वीवी ज्ञात करना है तो इसलिए उन्होंने क्वेश्चन दिया कि मान लो 15 ml 15 ml एथिल अल्कोहल, 15 ml एथिल अल्कोहल 80, या फिर आप ये मान लो 130 ml जल में खुला है, तो परसेंट वीवी कैलकुलेट करो। यानी क्वेश्चन है आपके पास क्या कि 15 ml एथिल अल्कोहल 130 ml जल में घुला है, तो प्रतिशत वीवी ज्ञात कीजिए। तो प्रतिशत वीवी ज्ञात करने के लिए अपन को पहले ही पता है क्या करना है, परसेंट वीवी इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप, वीवी अपॉन वीए प्लस वीवी इंटू 100, ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। अब वीवी क्या है? वीवी यहां पे क्या है? विलेय के एमएल की मात्रा, और जो वीए है वो क्या है? विलायक के एमएल की मात्रा। तो यहां देखो आप 15 ml एथिल अल्कोहल और 130 ml क्या है? वाटर। तो कम कौन है? एथिल अल्कोहल। तो 15 ml जो एथिल अल्कोहल है वो तो आपका विलेय हो गया, और जो 130 ml जो जल है वो आपका क्या हो गया? विलायक हो गया। तो इसको क्वेश्चन को हम सोल्व कैसे करेंगे कि परसेंट वीवी इज इक्वल टू वीबी, वीबी की वैल्यू कितनी है? 15 ml अपॉन वीए, वीए कितना है? 130 प्लस वीबी कितना है? 15 इंटू 100। तो परसेंट वीवी क्या आया? 15 अपॉन 130 प्लस 15 145 इंटू कितना कर दो? 100। तो ये जो सोल्व होगा वो आपका क्या आ जाएगा? परसेंट वीवी, यानी जो ये आंसर आएगा वो आपका क्या हो जाएगा? परसेंट वीवी। तो देखो अभी तक अपन ने दो पढ़ा, इस विलयन की जो सांद्रता है उसको प्रदर्शित कितने प्रकार से कर सकते हैं। फर्स्ट अपन ने पढ़ा द्रव्यमान प्रतिशत, सेकंड अपन ने क्या पढ़ा? आयतन प्रतिशत। अच्छा एक नोट है इसमें इंपॉर्टेंट, क्या कि जब भी कभी केमिस्ट्री के अंदर आयतन, यानी जहां भी वर्ड क्या आ जाए? आयतन, उस आयतन पर ताप का प्रभाव पड़ता है। किसका प्रभाव? ताप का प्रभाव। यदि आप ताप बढ़ाओगे तो आयतन क्या होगा? बढ़ेगा। इसका मतलब ये हुआ परसेंट वीवी अगर हम टेम्परेचर कम या ज्यादा करते हैं तो उसका परसेंट वीवी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, क्योंकि ताप से उसका आयतन क्या हो जाता है? चेंजमेंट हो जाता है। यानी ताप का प्रभाव, अभी वॉल्यूम है तो इस पर ताप का प्रभाव पड़ेगा, यानी परसेंट वीवी के ऊपर ताप का प्रभाव पड़ेगा। लेकिन द्रव्यमान प्रतिशत में क्या है? डब्ल्यू डब्ल्यू यानी ग्राम वेट है, और वेट के ऊपर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका मतलब परसेंट डब्ल्यू डब्ल्यू पर ताप का कोई प्रभाव नहीं होगा, जबकि आयतन प्रतिशत पर ताप का क्या होगा? प्रभाव होगा। ऐसे एक वर्ड आ रहा है इसमें भी, आयतन है यहां, तो इसका मतलब इस पर भी क्या होगा?
ताप का प्रभाव होता। तो अपन ने दो चीज पढ़ ली यहाँ पे, एक द्रव्यमान प्रतिशत और एक क्या पढ़ा, आयतन प्रतिशत। नेक्स्ट जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ेंगे परसेंट डब्ल्यू वी, यानी द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। अब द्रव्यमान आयतन प्रतिशत क्या है, परसेंट डब्ल्यू वी। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत क्या होगा कि किसी विलयन के 100 ml में, कोई भी विलयन है उसके 100 ml में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा क्या कहलाएगी, परसेंट WW, परसेंट WV। किसी विलयन के 100 ml में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाती है। ये अपन कौन सा पढ़ रहे हैं, थर्ड। अब इसके लिए फॉर्मूला अगर हमें निकालना हो कि परसेंट WV, तो क्या लिखोगे आप कि विलेय की ग्राम में मात्रा अपॉन क्या लिखोगे, विलयन का आयतन किसमें है भाई, ml में, और इनटू कितना कर दो 100। तो ये जो फॉर्मूला अपने पास आया, ये फॉर्मूला किसका हुआ भाई, परसेंट WV का। अगर कहीं पे आपको ये लिखा मिल जाए कि 20% WV एथिलीन ग्लाइकोल है, क्या है भाई, एथिलीन ग्लाइकोल है, तो इट मींस क्या हुआ कि कोई 20 ग्राम क्या है, विलेय है वो क्या है 100 ml आयतन में घुला हुआ है, 100 में या 80 में, तो 20% WV एथिलीन ग्लाइकोल का मतलब ये हुआ कि 20 ग्राम जो है वो एथिलीन ग्लाइकोल कितने में घुला हुआ है, 80 ml विलायक में घुला हुआ है, या 100 आयतन में घुला हुआ। तो ये हम क्या पढ़ रहे हैं, परसेंट WV। तो यहां तक अपन ने जो पढ़ा भाई, परसेंट WW पढ़ा, परसेंट VV पढ़ा, परसेंट WV पढ़ा। तो ये क्वेश्चन इस पे हम करेंगे, इसके न्यूमेरिकल्स